तो फाइनली पैंटीज कंप्लीट। और भी तो आपने मेरा हाथ देखा, बहुत ही गंदा हो गया एकदम से, बहुत ही ज्यादा काला। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू यूट्यूब चैनल फॉर डेली व्लॉग। आप वॉच, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द व्लॉग। तो गाइस रात को बहुत ही ज्यादा बारिश हुई और बारिश के कारण यहाँ पे मक्के भी छूटे हैं, मक्के के दाने। मक्के तो रात को बाहर में ही रह गए थे और कुछ कुछ जो बगाट बांध दिए गए थे वो अंदर साइड हो गया। पिताजी ने तुरंत से उठ के 11 बजे नहीं, 1 से 2 बजे तक के बीच में बारिश स्टार्ट हुई, तो उस टाइम उठ के तुरंत अंदर कर दिए। फिर हम डैम साइड जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रात को बारिश हुई, तो देखते कितने बहाव है डैम में अभी। फिर तो बारिश के कारण यहाँ का बहाव तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन 1-2 घंटे में यहाँ का सारा पानी बह गया। अभी तो इतने ही डब है, तो डैम साइड चलते क्योंकि इधर का पानी सारा उधर से बह के गया। डैम साइड जाने के लिए निकला लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश वाला मौसम हो गया यार। ये तो सुबह का होता ही है और लेकिन रात में बारिश हुई तो ये और ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। एक न्यू दुकान बन गया, पिछले बार तो हमारे उस टाइम तो नहीं था, और ये हमारे गली वाले ही बनाए हैं कोई। अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं चल रहा इसमें, चलते हैं। तो कोई साहब बहुत ही ज़्यादा एकदम से ध्यान से सुनिए, वहाँ से बारिश का आवाज़ आ रहा है। कोई नहीं, चलते हैं ये साइड से, इस रास्ते तो बहुत ही गंदे है। फाइनली हमारे डैम के पास आना हो गया। पीछे का सीन तो आप देख सकते, पूरा तो पिछले बार की तरह डैम भरा पड़ा, लेकिन अभी कुछ ज्यादा भरा, तो वो आप इधर से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि पूरा एकदम से यहाँ से वहाँ तक एक ही लाइन, मतलब इतना मोटा पानी का बहाव चल रहा है। मैं दिखाता हूँ, चलिए, उस नीचे वाले पत्थर से इतना ऊंचा पानी का बहाव चल रहा है और नीचे साइड कुछ ऐसा सीन है बहुत ही प्यारा वाला। तो मैं पिछले बार गया था लेकिन उस टाइम इतने तबाही वाले नहीं जा रहे थे, लेकिन अभी तो तबाही ही है, बहुत ही ज्यादा है। गाइस डैम में ना एक बार का सीन कुछ ऐसा था कि ये जो निकल रहा है यहाँ से पानी, इसके और इसके बीच से, तो ये इसके ऊपर आके ये साइड पे पूरा एकदम से पानी का बहाव चल रहा था और वो साइड से जाके नीचे जा रहा था। तो उसका भी वीडियो है लेकिन मेरे पापा जी के मोबाइल में, तो उनका मोबाइल तो पिछले वाले मोबाइल तो एक्सचेंज हो गया, तो वीडियो उसके साथ ही डिलीट हो गया। कल हमने साइकिल बनवा के लिया तो लग भी रहा है कि ये साइकिल हमारा न्यू है। नीचे वाला, आगे वाला तो सारा एकदम से स्कोप चेंज हो गया, पीछे वाला तो पिछले वर्ष से हमने चेंज करवाया था। कोई नहीं, चलते घर। एक बात है, जो भी बंदा अगर इस टाइम अगर डैम को पार करना चाहे तो वो मूर्खी होगा, क्योंकि इस भाव में तो पार करना संभव है ही नहीं। मैंने ट्राई किया ना, मैं तो ट्राई किया रहा था तो फिर शायद हो सकता था, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं ना बनना चाहता हूँ। तो कोई नहीं, वैसे तो जो पार होगा वो तो मूर्ख ही रहेगा, क्योंकि यहाँ का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज है और फिसलन भी बहुत ही है, क्योंकि ये 1 महीने से लगातार पानी का बहाव चल ही रहा है, तो फिसलन तो सही है कि बहुत ही ज़्यादा होगी। कोई सारा एक दशक का देखिए उसका सीन कैसा है यहाँ पे पानी में। अरे यार, लेकिन आज मेरे को भूखा जाना पड़ेगा ट्यूशन, क्योंकि मैं जब तक उधर गया तब तक सारे घर का नील हो गया, बनेगा नहीं तब तक खाएंगे नहीं, तो वैसे टाइम पे हो गया। चलते खाना वगैरह, यहाँ पे मॉर्निंग का पूजा चल रहा है। कोई नहीं, हम चलते छत पे और खाना खाते। कल दिन भर लाइन तो रहा नहीं, रात को आया बस 2 घंटे के लिए, उसके बाद बारिश तो स्टार्ट हो गया, तो अभी मोबाइल का चार्ज लगाने जा रहा हूँ। और वैसे भैया का तो घर आना हो गया हजारे वक्त से, लेकिन अभी तक मेरे को मिले नहीं। मैं तो छत पे गया और छत पे चार्जर उनका देख के पता लगे कि वो घर आ गए। फिलहाल मेरे को चार्जर नहीं मिल रहा है, ये तो टाइप सी है मेरा, तो USB लगता है, वो तो है काम ना, ये रहा, कोई नहीं लगाते। और पूजा तो यहीं पे हुआ था, हमारे भगवान सारे यहीं पे है। टायर का सारा स्पोक चेंज करवा और आज इसमें हम पेंट करने वाले, तो वो ब्लैक कलर है तो उसको पूरा आज कर देंगे, ताकि ये चित्ती कभी ना खाए। जैसे पीछे वाला टायर एकदम से पूरा हो गया, थोड़ा डैम साइड गए थे तो इसके कारण यहाँ पे पूरे एकदम से सफेदी लग गई, तो इसको पहले सफा कर लेते। उसके लिए रंग रहा ये जो कि कुछ ऐसा है, तो चले देखते अंदर साइड, बहुत ही ज्यादा भर के है। कोई नहीं, यूज होने वाला है अभी सारा इसमें, तो मेरे को भी ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी से बर्ड्स निकालना और फिर नीचे जाकर पेंट करना साइकिल को। तो गाइस रूम के छत पर का छज्जा का सीन कुछ ऐसा, ये साइड तो बड़ा वाला मोनी रखा हुआ और फिर ये साइड हमारा पुराना वाला कंप्यूटर जो कि अभी बाद पड़ा है, तो नीचे भी जो है वो भी चले नहीं, और ये साइड टीवी है बोरी बोरी, और फिर ये साइड पिछले बार जब लेंस निकाला था तो उसको इसमें पैक करके नहीं रखा था यार, तो बैडनेस हो गई। बस थोड़ी इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बस इसमें धूल वगैरह पड़ गए। कोई नहीं, मैं इसको अभी डाल के इसमें पूरी तरह से इसको पैक करके रख देता हूँ, क्योंकि अभी इसका यूज़ नहीं हो रहा है। हमारा ब्रश तो मिल नहीं रहा यार, अब किससे पेंट होगा। बस फिलहाल हमारे कुछ ऐसा हाल हो गया, पसीने खंड पूरा एकदम से, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है ये साइड ऊपर में, अभी वो साइड देखना बाकी, तो चलिए देखते हैं। ब्रश मिल गया जो कि बहुत ही गंदा हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया यार, लगता है जब इसका पेंट होता तो कोई पूरी तरह से क्लियर नहीं धुला था। और ये बड़ा वाला है तो बस तुरंत से होना है, घोलना है। और तो फाइनली पेंटिंग कंप्लीट। और भी तो आपने मेरा हाथ देखा, बहुत ही गंदा हो गया एकदम से, बहुत ही ज़्यादा काला सी, दैट कैसा हो गया यार, मतलब अजीब सा हो गया। तो कोई नहीं, मैं भी इसको वैसे साबुन से छूटने वाला नहीं, मिट्टी तेल से इसको छुटाने वाला, ये थोड़ा कम है,
साइकिल तो अभी बाहर में पेंट है, सूखने के बाद में उसका इंट्रो करवाऊंगा। अभी शाम होने के साथ साथ बादल भी काले कर दिए और अभी बारिश पड़ने ही वाले, तो अभी सारे एकदम से जो घाटे हुए थे वो तो उठ ही रहे। चल रहे हम हेल्प करते हैं। के लिए छाट रही है डिंडी के दाने काची ये वाला, और सारे काम तो चल रहे लेकिन हमारी साइकिल बाहर में और भैया घर में नहीं है, तो बस साइकिल को मेरे को ही अंदर करना है। बस आज बाल थोड़ा खराब ही हो रहा है और ये साइकिल से सूखने को दे दिया मैंने। ऐसा हो रहा है कि हमारे गली के सारे लोग बाहर निकल के बातचीत कर रहे, वो साइड तो औरतें वो साइड बच्चे और ये साइड काम चल रहा है। ऐसा तो हर गर्मी में ही होता है क्योंकि गर्मी में किसी को घर में अच्छा नहीं लगता, तो सारे बाहर में आके बातचीत करते हैं। तो मेरे को उठाना ही पड़ेगा, तो वन मिनट। तो मैं क्या कहने वाला था, हाँ तो सिनेमेटिक सीन तो मैं फर्स्ट टाइम शूट किया लेकिन आई डोंट नो कैसा था। मैंने तो दीवार से लटका के रखा था मोबाइल और तुरंत से शूट किया, फिर ऐसा ही कुछ था, मेरा फर्स्ट था सिनेमेटिक सीन। चलिए उठाते कहाँ रखने का दादी। पहले मेरा बाल एकदम से उड़ ही उड़ रहा था लेकिन मैंने भी थोड़ा ऑयल डाल के चिपचिपा सा कर दिया और फिर कंघा कर दिया। और गाइस मैं कंघा करने के बाद हमारा बाल कुछ ऐसा होता है, और मेरे को पहले तो बहुत ही पसंद था ऐसे बाल खड़े खड़े, लेकिन अब थोड़ा उतना खास पसंद नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें वो लगता है टाइम और बेकार भी लगता था क्योंकि छोटा था, तो छोटे में तो शौक ही ना होता, तो अब उतना कुछ नहीं रहा तो इसलिए बस नॉर्मली सा रखता हूँ। इस पार हो गया घर, तो मेरे को जाना है घूमने और साथ में चलना है सामने वाले घर का कुंदन। तो मैं आ ही रहा था तो उसने मेरे से बात कर लिया, फिर चलना है। सर डैम तो आना हुआ और मॉर्निंग भी हम आए थे लेकिन मॉर्निंग के जैसा अभी भी वैसा ही पानी बह रहा है, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया और वीडियो प्रोड्यूसिंग में था जिसके कारण अगर मैं कैमरा ऑन करता तो वो बंद हो जाता, इसलिए बस मैंने बंद रखा। अभी वहाँ से वापस आ रहे और ये रहे तीन बंदे, दो साइकिल पे और एक पैदल, पारो पैदल जा रहा है। बाकी मेरा साइकिल का साइकिल है, दो ही साइकिल है, कोई नहीं। अब चलते हैं फील्ड के पास ऊपर वाले जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज किया करते थे, अभी तो फिलहाल बंद चल रहा है दो चार दिनों से। वैसे हफ नहीं हो रहा, मैंने यहाँ भी किया था इसलिए। फील्ड के पास तो आना हो गया, वो रहा फील्ड और ये रहा रोड, तो बस रोड पार कर रहे हैं। हे पारो से हाय हाय, चलो ऐसा तो कोई हाय कहता ना तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती यार, सच बोले तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता कि कितना ज़्यादा मैं खुशी फील करता हूँ। बट मेरी आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा, कोई आज हमने साइकिल में पेंट किया लेकिन बगैर ध्यान दिए हम साइकिल को निकाल लिए जिसके कारण वो गंदा भी हो गया अभी थोड़ा। तो वैसे घूमने के बाद सीधा हमारे घर आना हुआ, घर आने के साथ साथ हमारे ब्लॉग का होता है एंड। एंड आई होप आपको हमारा ब्लॉग बहुत ही पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड बी सेफ। सो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, सो लास्ट टाइम बाय बाय।